दरअसल आईपीएल 2021 के सीजन के बचे हुए मुकाबलों को लेकर बीसीसीआई ने इंग्लैंड और दुबई को यहाँ पर फाइनल वेन्यू के तौर पर अभी तक फाइनलाइज किया है। एट द एंड इन दोनों वेन्यू में से किसी एक वेन्यू पर हमें आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबले देखने को मिलेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर अगर इंग्लैंड में आईपीएल के बचे हुए मुकाबले होते तो कौन सी टीम को फायदा होगा, किस तरीके से ग्राउंड्स होंगे। इसके साथ ही दुबई में अगर आईपीएल के मैचेस होते हैं तो कौन सी टीम को फायदा होगा, किस तरीके से ग्राउंड्स रहेंगे, किस तरीके से बारिश के चांसेस रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा कि बीसीसीआई की तरफ से इन दोनों वेन्यूज में से कौन सी वेन्यू को आखिर एट द एंड फाइनलाइज किया जाएगा। इसके साथ ही आपको आईपीएल की तारीख भी बताई जाएगी। तो कुल मिलाकर आईपीएल को लेकर काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईपीएल के दो फाइनलाइज वेन्यू के, आखिर इंग्लैंड में आईपीएल होने पर किस तरीके से आईपीएल कराया जाएगा, जबकि दुबई में आईपीएल होने पर किस तरीके से आईपीएल कराया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो के आखिर में आपको फाइनलाइज करके बताया जाएगा कि कौन सी वेन्यू पर आईपीएल होने पर यहाँ पर किस तरीके से फायदा होगा। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड में आईपीएल होने पर यहाँ पर 4 स्टेडियम्स इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के लिए अलाउ किए। कुल मिलाकर 4 स्टेडियम्स में आईपीएल के 31 मुकाबले कराए जाएंगे जो कि इजिली पॉसिबल हो पाएगा, जबकि दुबई में यहाँ पर केवल 3 ही स्टेडियम्स में आईपीएल के 31 मुकाबले कराने होंगे। पिछले साल बीसीसीआई ने केवल 3 ही स्टेडियम्स में आईपीएल के 60 मैचेस कराए थे, यानी दुबई, अबू धाबी और शारजा में आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबले कराने होंगे। जबकि अगर इंग्लैंड में आईपीएल होता है तो यहाँ पर आईपीएल में 100% क्राउड अलाउ किया जाएगा, यानी दर्शकों के साथ हमें आईपीएल देखने को मिलेगा। 2 साल बाद दर्शकों के साथ आईपीएल कराया जाएगा। जबकि अगर दुबई में आईपीएल होता है तो कोई भी क्राउड को एंट्री नहीं मिलेगी, यानी बिना किसी क्राउड के, बिना किसी दर्शकों के दुबई में आईपीएल होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की, आखिर इंग्लैंड में आईपीएल होगा तो क्या टाइमिंग रहेगी, दुबई में आईपीएल होगा तो क्या टाइमिंग रहेगी। तो इंग्लैंड और भारत में यहाँ पर 5 घंटे का टाइम डिफरेंस होने के कारण इंग्लैंड में जो दोपहर का मैच होगा वो सुबह 11:30 बजे शुरू होगा और भारत में 3:30 बजे टेलीकास्ट होगा, जबकि जो शाम का मुकाबला होगा वो लगभग शाम 3:30 बजे यहाँ पर इंग्लैंड के समय अनुसार शुरू होगा, जो कि भारत में शाम 7:30 बजे टेलीकास्ट होगा। कुल मिलाकर इस समय इंग्लैंड में यहाँ पर क्रिकेट के लिए काफी सही वेदर होगा, तो यहाँ पर दिन में भी मैचेस हो सकते हैं। थोड़ी बहुत सर्दी होने के कारण दोपहर के मैच भी बिना किसी समस्या के कराए जाएंगे और भारत में समय अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसी टाइमिंग पर भारत में मुकाबले देखने को मिलेंगे। जबकि अगर दुबई में आईपीएल होता है तो पहला मुकाबला दोपहर को 2 बजे दुबई में शुरू होगा और भारत के समय अनुसार शाम 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि शाम का मुकाबला दुबई में शाम को 6 बजे शुरू होगा और भारत में 7:30 बजे ये मुकाबला टेलीकास्ट होगा। कुल मिलाकर भारत और दुबई के बीच यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच लगभग 5 से 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशनल की, आखिर किस तरीके से बाउंड्री का यहाँ पर डिफरेंस दोनों जगहों पर रहेगा। अगर यहाँ पर इंग्लैंड में आईपीएल होता है तो हमें बड़ी बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर 75 से 80 मीटर की एवरेज बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, जबकि दुबई में आईपीएल होता है तो तीनों ग्राउंड्स की कैलकुलेशन के बाद 70 से 75 मीटर की एवरेज बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, यानी दुबई में ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, आखिर बारिश के क्या चांसेस होंगे इंग्लैंड में आईपीएल होने पर, आखिर बारिश के क्या चांसेस होंगे जबकि दुबई में आईपीएल होने पर बारिश के क्या चांसेस होंगे। तो इंग्लैंड में अगर आईपीएल होता है तो हर एक मैच में बारिश होने के 60% चांसेस होंगे, यानी 60% चांसेस होंगे। कुल मिलाकर ऑलमोस्ट हर दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड में बारिश होगी, जबकि अगर दुबई में आईपीएल होता है तो 0.1% हर मुकाबले में बारिश के चांसेस होंगे, यानी लगभग ना के बराबर बारिश होगी। हो सकता है कि 31 में से केवल एक मुकाबले में बारिश हो जाए, बाकी किसी मुकाबले में बारिश नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड में आईपीएल होने पर 4 घंटे का मुकाबला 6 घंटे चल सकता है, जबकि दुबई में आईपीएल होने पर हमें बिना किसी समस्या के यहाँ पर समय अनुसार सभी मुकाबले देखने को मिलेंगे। और अब तक जो बीसीसीआई ने यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड टेस्ट
सीरीज में बदलाव करता है और यहाँ पर बीसीसीआई के प्रपोजल को मानता है तभी इंग्लैंड में आईपीएल हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर 70% चांसेस हो चुके हैं कि दुबई में आईपीएल होगा। दुबई में ना ही बारिश की समस्या होगी, ना ही किसी तरीके की समय की भी समस्या होगी, इसी वजह से अब तक तो दुबई में आईपीएल होना तय दिख रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए इन सब फैक्टर्स के आधार पर आपके अकॉर्डिंग कहाँ पर आईपीएल होना चाहिए और दुबई में या फिर इंग्लैंड में आईपीएल होने पर कौन सी टीम को सबसे अधिक फायदा, कौन सी टीम को सबसे अधिक नुकसान होगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।